फ्रेंड्स, मैं हूँ आकृति और मेरे चैनल आकृति ब्लॉग्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि जब हम खर्रा मंदिर गए हुए तो मीनाक्षी भी मेरे साथ थी, तो देन उसके बाद हम मीनाक्षी को उसके घर छोड़ने आए हुए थे तो मैं भी उसके साथ आ गई थी। तो अभी मैं रीची में हूँ एंड आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ यहाँ से विष्णुवरा मंदिर, जो यहाँ की तहसील मझौली में है, एंड वहाँ आज हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो आपको मैं वहीं लेकर जाने वाली हूँ। मीनाक्षी लोग उसके भाई भी साथ में, सब हमारे साथ आज जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मीनाक्षी तो आ चुके हैं यहाँ पे एंड मीनाक्षी को जानते हो आप पहले देखे हैं, एंड यहाँ पे शक्ति दीदी एंड अंदर से सोनू मोनू भैया भी आ रहे हैं, तो वही हमको लेके जा रहे हैं। तो आ जाए फिर, हम निकलेंगे बाइक से ही जाएंगे। धूप बहुत तेज़ है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश तो हो ही नहीं रही है, आप देख ही सकते हो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। तो हम लोग धूप में ही जा रहे हैं। हमको वहाँ पे पहुँचना है 12 के पहले, क्योंकि 12 के पहले वहाँ मंदिर के पट बंद हो जाते, फिर दोपहर में 3 बजे खुलते। तो अभी तो 10:30 हुआ है, तो मे भी हम पहुँच सकते हैं वहाँ पे। ज़्यादा दूर तो नहीं है, पहुँच जाएंगे वैसे 12 के पहले। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। तो अब इन लोग आ चुके हैं एंड हम लोग बैठेंगे गाड़ी पे। तो मैं तो मीनाक्षी के साथ ही बैठ रही हूँ। तो गाइस, हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं एंड जा रहे हैं मझौली। ये है मोनू है, सॉरी सोनू है, दोनों भाई के नाम पे बहुत कन्फ्यूजन हो गया है। तो दोनों भाई हमको लेके जा रहे हैं। शॉप से एंड यहाँ पे एक और शॉप है यहाँ पर, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं जब भी आप आए। तो चलिए फ्रेंड्स चलो मंदिर के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मंदिर स्टार्ट होता है, यहाँ से आए हुए हैं हम लोग एंड मंदिर अभी अंदर जाएंगे दर्शन करने। और ये रहा फ्रेंड्स मंदिर, आप देख सकते हैं अभी लिखा हुआ है विष्णुवरा मंदिर आपका हार्दिक स्वागत करता है। मझौली में स्थित है ये, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मझौली में आता है और मझौली में, मझौली में ही है विष्णुवरा मंदिर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, वैसे तो ये विष्णुवरा जो मिले हुए थे पहले बहुत ही छोटे रूप में मिले हुए थे एंड धीरे धीरे करके इनकी इतनी हाइट बढ़ चुकी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखिए कितनी हाइट इनकी बढ़ चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स लेके चलती हूँ मैं आपको अंदर मंदिर के एंड विष्णु जी के दर्शन करवाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैंने जो बताया था कि ये बहुत ही छोटे साइज़ में पहले मिले हुए थे,
एंड आप देख सकते हैं इनका साइज़ कितना बड़ा हो चुका है पहले से। एंड विष्णु जी की प्रतिमा यहाँ पे मछौली में यही है, विष्णु वराह जिनको बोला जाता है। एंड आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक परिक्रमा लगाएंगे विष्णु जी का। एंड आप देख सकते हैं विष्णु वराह मंदिर ये है जिसकी मैं बात कर रही थी, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है भगवान की। देख सकते हैं ये है विष्णु वराह मंदिर, इनको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो प्रतिमा है पहले बहुत छोटे रूप में थी, जो आपको ये दिख रहे हैं विष्णु जी बहुत ही छोटे थे। एंड इनकी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ती गई, एंड ये इतने हो चुके हैं और इन पे एक सोने की कील भी ठोकी गई है कि जिससे हाइट नहीं बढ़ती, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। कहते भी है लोग कि कील ठोकने से शिवलिंग भी हो या कोई भी मूर्ति हो तो उसकी हाइट नहीं बढ़ती, तो इनको एक सोने की कील भी ठोकी हुई है जिससे इनकी हाइट ना बढ़े। फ्रेंड्स मैं आपको बाहर से पूरा मंदिर घुमा देती हूँ, अंदर तो मैंने आपको दिखा दिया। एंड ये पूरा मंदिर है बाहर से, तो आप देख सकते हैं ये है पूरा मंदिर। यहाँ पे भगवान बैठे हुए हैं, सीताराम भगवान है यहाँ पर। एंड बाहर से है ये पूरा मंदिर, यहाँ से भी आप एक राउंड लगा सकते हैं, अंदर भी राउंड लगाने का है एंड बाहर से भी एक परिक्रमा आप लगा सकते हैं। ये मंदिर के बाहर साइड का है एंड यहाँ पे भी ये भगवान रखे हुए हैं ऐसे, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। एंड यहाँ पर भी माता रानी है आई थिंक। एंड यहाँ पर शंकर जी का मंदिर है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर शंकर जी हैं। यहाँ पे गणेश जी हैं अंदर, गणेश जी हैं ये ऐसे। एंड मैं आपको और आगे का मंदिर दिखा देती हूँ, यहाँ पर भी है फ्रेंड्स ये पूरा प्रांगण ये विष्णु वराह मंदिर का ही है। एंड यहाँ पे माताएं हैं, माताएं विराजित हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पर भी है देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर भी दुर्गा माता है। एंड और मैं आपको बाहर घुमा देती हूँ, ये पूरा मंदिर विष्णु वराह मंदिर है। एंड यहाँ पर राधा कृष्ण है, मोस्ट फेवरेट मेरे हनुमान जी हैं यहाँ पर। जस्ट मैंने आपको जब स्टार्टिंग में आई थी तभी दिखा दिया था। एंड यहाँ पर भी सीताराम भगवान का बहुत बड़ा दरबार है, मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में। एंड फ्रेंड्स हम आए हैं आपके यहाँ दिखाने सीताराम दरबार, कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ पर, कितनी अच्छी प्रतिमाएँ हैं। यहाँ रामायण भी चल रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी, तो यहाँ पर रामायण चल रही है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं। एंड बाकी ये रहा पूरा प्रांगण जो मैंने आपको घुमाया विष्णु वराह का। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको विष्णु वराह मंदिर जो?
मंदिर आता है एमपी में। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये विष्णुवरा मंदिर, इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो पूरा प्रांगण आपको घुमाया है, किन चीज़ दिखाई है आगे। एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ का कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, कल से रहूँगी एक नए वीडियो के साथ।